You agree with that, ki girls sometimes play innocent in terms school of... School में थी मैं तब, अब मुझे पता चलता है. अभी आपको पता चलता है. एक में नहीं चलता था. School में नहीं पता चलता था. Funny thing is, पूर्वा को school से ही यो लगाव हो गया था बचपन से. किस चीज से? With Vikrant, of course. अच्छा, पूर्वा. Guys, आपको feedback किस तरीके के उस time पे when the first season came, what were the feedback like? Because I'm sure it was coinciding with Mirzapur as well at that point of time. लोग आपको बोलते थे कि अरे यार यहाँ पे बाहुबली हो, मजाक मजाक में बोलते थे ऐसे, इधर क्यों भाग रहे हो ऐसे करके. मैं actually I don't know if this is good or bad, but मैं reviews नहीं पढ़ती, मैं comments नहीं पढ़ती, इसलिए मैं I think इतनी खुश रहती. Nikhil had performed that before when I went into the scene, मेरे दिमाग में चल रहा था विक्रांत 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 and you know शिखान विक्रांत, and because he was so honest with his performance, वो एक आया कि यार अब इसको भी क्या हम ले डूबेंगे हमारे प्यार ये बेसिकली चालू होता है दो लोगों के साथ, देन इट बिकम्स 200 एंड ऑल. एक जो फील गुड फैक्टर होता है ना, जो जिन्होंने इनका काम एकदम पहले से देखा है रामायण के टाइम के, तो वो लगता है उनको ऑन स्क्रीन देख के. हां, व्हाट वाज योर बॉन्डिंग लाइक? रियल लाइफ इज आल्सो लाइक दैट. या एग्जैक्टली, व्हाट शोस अप यू फील गुड. यस, एग्जैक्टली, दैट गिव्स दैट फील गुड वाइब. When you saw, I mean, when you met them for the first time, and I'm sure you must have seen first season, right? What was your first conversation with these three individuals, or and even sir? Yeah, जब script इतना intense है, तो set पे ऐसी वो माहौल ही था कि आप सब character में. Yeah, so I think that's what makes it amazing to play, is because he's a flawed hero. Like, it's not like वो निकाली बंदूक and all of a sudden, and so he's YouTubing गोली कैसे चलाते हैं, YouTubing how to cry, so it's a very it's an ordinary interesting चीज़ था. It's an ordinary guy in an extraordinary circumstance. नमस्कार, मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी. Hi, this is Tahir Raj Bhasin. Hi, this is Aanchal Singh, your Purva. This is Arunoday, your Arunoday. नमस्कार, मैं गुरमीत चौधरी. और आप हमें देख रहे हैं शुभजीत के YouTube चैनल पर. Like, share and subscribe. 22nd November से सिर्फ Netflix पे ही हो, और कहीं मत जाओ. लेडीज एंड जर्मन, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये काली काली आंखें जब हम लोग सुनते थे पहले एक जमाने तक, इट यूज टू बी ऑलवेज सिनोनिमस टू अ मूवी, अ मैसिव स्टार एक्सेट्रा. बट देन कुछ साल पहले एक थ्रिलर सीरीज आया, इसने जेन्युइनली सबको थ्रिल करके रख दिया. इतना थ्रिल किया कि एक बार देखो, दो बार देखो, थ्री टाइम्स देखो, जितने बार भी देखो, वो थ्रिल फैक्टर जो है वो बढ़ता रहता है, राइट? एंड व्हेन आई टॉक अबाउट थ्रिल फैक्टर इंक्रीजिंग, सीजन वन में अगर अच्छा था, देन सीजन टू में इट्स गोना बी इवन बेटर. आई हैव विद मी द एंटायर टीम ऑफ ये काली काली आंखें सीजन टू, लेडीज एंड जेंटलमैन, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स, 22nd नवंबर. प्लीज अपने लिए बजाइए जोर से ताली. 22nd नवंबर इज द डेट. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू कम बैक, द वेरी फंडामेंटल थिंग अबाउट सेकेंड सीजन, जो मैं यकीन हमेशा करता हूँ कि पहला वाला अच्छा चला है, पहले वाले को प्यार मिला है, विच इज वाई देयर इज अ पॉपुलर डिमांड, क्रिएटिव कॉल कमिंग टुगेदर एंड एवरीथिंग, राइट? And alongside that, it was to an extent expected, because वो जो cliffhanger ending था, उसके बाद तो पता होना ही है कि भाई क्या हुआ. मैडम आप kidnap हो जाती है उधर, right? And sir, उन्होंने बोला कि वो normal human characteristic है, कहाँ से ज़्यादा पैसे आए, कहाँ से ज़्यादा पैसे आए. एक contract तो भाई ने उनको दिया था, but then he realized that आप किसी influential individual के you know daughter हो, and that's where you get kidnapped, and it's gonna pick up from there, right? I want to first start with you कि वो जो तरीके का obsessive love जो होता है, which can actually be good for you, the individual जो I mean who's indulging in that, but सामने वाले का लग जाता है, भाई ने कमाल का acting किया है उस चीज को जताने के लिए. कभी भी ऐसा आपके साथ हुआ है where you know somebody during your school या college has turned out to be an obsessive lover like that, and you literally had to kind of battle it out to come out of that zone? ये तो question कभी आया नहीं मेरे पास. सच में नहीं आया? You're doing so many promotions genuinely. तब से आया जब से ये release हुआ है. Yeah, some basic fundamentals don't change, right? So, पहली बात तो इट इज मेरे लिए आसान नहीं है, मतलब मेरे लिए, मतलब पूर्वा के लिए आसान नहीं है, बिकॉज वो प्यार को पाने के लिए सब कुछ कर रही है, तो वो बहुत दुखी है अंदर से, उसको नहीं मिल रहा है प्यार. उसने शादी कर ली, एंड स्टिल शी नोज कि विक्रांत इज नॉट हर ह्यूमन,
So I don't think it's definitely not an easy situation for Purva. Yeah. And what was your question? कि वही चीज़ आपके साथ असली ज़िंदगी में कितना असली ज़िंदगी हुआ असली ज़िंदगी असली ज़िंदगी में not talking about Purva here. Talking about Purva. What about you? असली ज़िंदगी में No. No, actually no. You know what? Thankfully not. I'll tell you कि I was very tomboyish during school time. तो वो तो नहीं हुआ बिकॉज मैंने तो बहुत लोगों को इनफैक्ट हेल्प किया है और मैं आई हैव प्लेड क्यूपिड टू अ लॉट ऑफ पीपल तो अगर किसी को हुआ भी होगा मुझसे इनफैचुएशन तो मुझे नहीं पता चला होगा बिकॉज आई डोंट गेट टू लाइक whatever like but ye bahut kamal ka cheez bola hai unhone because sometimes girls say ki hum log ko pata nahi chalta and sometimes they also play very innocent in real life as well unko sab pata chalta hai ki samne wale ke dil mein dimag mein kya chalta hai but they play innocent you agree with that ki girls sometimes play innocent in terms of school mein thi main tab ab mujhe pata chalta hai abhi aapko pata chalta hai main nahi chalta tha school mein nahi pata chalta tha funny thing is purva ko school se hi yo lagao ho gaya tha bachpan se kis cheez se with vikrant of course acha purva पूर्वा आंचल पूर्वांचल दैट इज व्हाट आई कैन से दैट इज हाउ इट इज क्या बात है पूर्वांचल बट यू नो पूर्वांचल के साथ आपका भी लेना देना तो बहुत है ऑफ कोर्स बिकॉज वो कनेक्टेड है वो भी चीज है एकदम बाहुबली है द फनी थिंग इज कि इन द अदर सीरीज यू आर सो स्ट्रॉन्ग आउट गोइंग जो भी आपके सामने आ रहा है यू आर किलिंग देम शूटिंग देम दिस दैट एक्सेट्रा मिर्जापुर में एकदम गोलियों की बरसात आप कर रहे हो यहाँ पे योर कैरेक्टर इज एब्सोल्युटली द ऑपोजिट वल्नरेबल भाग रहे हो उधर लोगों को भगा रहे थे इधर आपके पीछे लोग भाग रहे राइट व्हेन यू डू दिस ट्विस्ट एंड टर्न्स इन द कैरेक्टर्स एक्सेट्रा आपको फीडबैक किस तरीके के उस टाइम पे व्हेन द फर्स्ट सीजन केम व्हाट वर द फीडबैक लाइक बिकॉज आई एम श्योर इट वाज कोइंसाइडिंग विद मिर्जापुर एज वेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोग आपको बोलते थे कि अरे यार यहाँ पे बाहुबली हो मजाक मजाक में बोलते थे ऐसे इधर क्यों भाग रहे हो ऐसे करके मैं एक्चुअली आई डोंट नो इफ दिस इज गुड और बैड बट मैं रिव्यूज नहीं पढ़ती मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती इसलिए मैं आई थिंक इतनी खुश रहती हूँ और मुझे लगता है अगर कोई बात मुझ तक पहुंचनी है तो मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो वो बता देंगे बिकॉज आई थिंक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन कई बार लोग अपनी भड़ास या अगर आई थिंक रिचा हैड सेड दिस इन वन ऑफ इंटरव्यूज कि चंडीगढ़ में बैठा हुआ कोई भी अब उसने लड़ाई कहीं की होगी लेकिन वो बहुत इजीली आपके डीएम में स्लिप होके कुछ भी कह सकते हैं अब नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली एज एक्टर्स एंड क्रिएटिव पीपल कि आप किसकी बात सुन रहे हो एंड इनफैक्ट सिद्धार्थ सर ने ही कहा था जब मिर्जापुर आया था ही सेड बात उनकी सुनो जिनसे तुम एडवाइस भी लेते हो एंड आई थिंक दैट फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम ऑल इयर्स क्योंकि हम सब सीखना ही चाहते हैं ना हम ग्रो करना चाहते हैं Now, Shikha mein something that I understood over season 1 and more in season 2, kyunki strength mere liye bhi wahi tha, ki if you are actively doing something, ya phir aapke paas, you know, wo power hai. Lekin I think Shikha ki beauty ye hai that you don't see the steel inside. But imagine, I don't think Golu would be in a situation like this. Never. She would be over and out. Because she's a different kind of girl. 5-6 goli, AK-47 chala ke nikal jayegi, woh aas. But yahan pe, that is the beauty and that is the strength. कि आप अपने प्यार के लिए क्योंकि आपको नहीं लगता है कि इस इंसान ने कुछ गलत जानबूझ के कुछ गलत किया है इनफैक्ट यू फील फॉर द लव ऑफ योर लाइफ बिकॉज यू फील बैड कि यार ये क्या होता जा रहा है इसके साथ एंड ये क्या क्या चीजें कर रहा है सो यू फील वेरी हेल्पलेस एंड तब भी आप यू आर नॉट मेकिंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी आप उसके बारे विक्रांत के बारे में सोच रहे हो आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहे हो आप इनफैक्ट पूर्वा के बारे में भी सोच रहे हो यू वॉन्ट हिम टू move on so I think wo ek bahut alag strength hai and I really admire that I want to know and mujhe ye cheez feel hua tha when I was watching the first season ki log kehte hai aksar it's a big statement to make kitna follow kar pate pata nahi pyar is about not just thinking about yourself but also the welfare of the other person right kahin na kahin ja ke vikrant ka jo pyar tha इनके लिए टू एन एक्सटेंड अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट इट सेल्फिश बिकॉज आपके वजह से आपके सिचुएशंस के वजह से ही शी वॉज फॉलोइंग इन टू मोर एंड मोर ट्रबल राइट सो वन पॉपुलर ओपिनियन वॉज कि यार जाने दो अपने प्यार को लेट हर बी सेव एंड हैप्पी द वे इट इज अपने कॉम्प्लिकेशंस में क्यों ला रहे हो उसको व्हेन यू वर प्लेइंग द कैरेक्टर डिड यू फील द सेम वे There are two things. Like one is how you like I as Tahir feel when I read the script, and then there is looking at it from Vikrant's point of view. और जब मैं विक्रांत के point of view से देखता हूँ, वो पागल है यार प्यार में. और शुरुआत में जब आप उसकी कहानी देखते हैं तो कोई इतने बड़े ख्वाब नहीं थे उसके वो जिंदगी में सिंपल चीजें चाहता है
और शुरुआत में 25,000 या 30,000 कुछ तो नौकरी, हाँ 25,000 की नौकरी थी वो, उनको एक छोटा सा घर चाहिए था, छोटा सा गार्डन, छोटा सा कुत्ता. और शुरुआत में जब आप उसकी प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, सीमिंगली दे आर स्मॉल. वो बिजली कट जाता है, पानी कट जाता है, घर का लीज जो है वो ऐसा कुछ थ्रेट मिलता है उसको, वो हालात बढ़ते जाते हैं. एंड सो द सिचुएशन कीप्स पुशिंग हिम इन अ कॉर्नर एंड दैट मेक्स हिम बैड. बट यस, टू आंसर योर क्वेश्चन, बिकॉज ऑफ द डिसीजंस दैट ही टेक्स, उसकी दुनिया में सब लोग जो है वो अफेक्ट हो जाते हैं. बट व्हेन यू आर इन लव, यू आर लाइक अ हॉर्स विद ब्लिंकर्स. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ये काली काली आंखें डज, इज दैट इट अनपैक्स योर डेफिनेशन ऑफ दैट अंधा प्यार जिसे कहते हैं. एंड इफ सीजन वन यू थॉट वाज अमेजिंग, देन सीजन टू इज तो 2x. सर मुझे एक चीज बताइए, व्हेन यू स्टार्टेड यू हैड दैट जैम पैक्ड वंडरफुल एंट्री इन द फर्स्ट सीजन, यू आर क्लाइंबिंग द माउंटेंस, दिस दैट एक्सेट्रा, एंड गिवन द काइंड ऑफ पर्सनालिटी स्वैग, द काइंड ऑफ फिजिकलिटी दैट यू हैव, इट लुक्स सो नेचुरल, राइट? कि मतलब ये इंसान मतलब हिमालय पे भी आराम से चढ़ जाए ऐसा टाइप का फीलिंग आपको देख के लगता है, राइट? यू नो सीजन टू में द वे, सीजन वन द वे इट एंडेड, ऑफकोर्स एवरीबडी नोज, आई कैन टॉक अबाउट इट, कि यू नो यू लिटरली कॉल्ड हिम एंड सेड कि भाई आप मुझे तो पता ही नहीं, आप इनके इनकी फादर जो है वो आपके ससुर है, अभी पैसे आपने भरा दिए, राइट? That's a very human trait as well, yeah, in some way or the other. Not like going by that means. इंसान को चाहिए होता है कि यार कुछ भी तरीके से, legitimate तरीके से पैसे वो ज़्यादा demand करे या command करे, right? In your life, perhaps in your workspace or कभी भी to kind of demand the amount or commercials that you genuinely deserve, आपने कभी कोई ऐसा you know हथकंडा अपने जीवन में apply किया है कभी? Question शुरू कहाँ से हुआ था? याद आ रहे हो? I can't talk about it because of legal reasons. Wahan se Netflix wale kar lo. No, Netflix was lovely. My past is checkered. She's laughing. She's like, yeah. You guys are okay. You guys are lovely. Wonderful, wonderful. That's why I'm here. Of course. Gurmeet sir, we are so excited because you are over here in this second season. And you always bring not just charisma and you know glamour to the table, but also एक जो फील गुड फैक्टर होता है ना, जो जिन्होंने इनका काम एकदम पहले से देखा है रामायण के टाइम के, तो वो लगता है उनको ऑन स्क्रीन देख के. हाँ, व्हाट वाज योर बॉन्डिंग लाइक? रियल लाइफ इज आल्सो लाइक दैट. या एक्जेक्टली, व्हाट शोस अप यू फील गुड. यस, एक्जेक्टली, दैट गिव्स दैट फील गुड वाइब. व्हेन यू सॉ, आई मीन व्हेन यू मेट देम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन फर्स्ट सीजन, राइट? व्हाट वाज योर फर्स्ट कन्वर्सेशन विद दीस थ्री इंडिविजुअल्स और एंड इवन सर? या जब स्क्रिप्ट इतना इंटेंस है तो सेट पे ऐसी वो माहौल ही था कि आप सब कैरेक्टर में थे. तो मैं तो ऐसे ही एकदम नया था जब मैं ताहिर से भी मिला था, ये खुद ही कैरेक्टर में थे. मुझे याद है एक दिन पहले हम लोग रीडिंग के लिए मिले थे, तभी एक बार जो बातचीत हुई हमारे बीच, उसके बाद तो सेट पे तो सब वो था, मैं खुद भी वो था, फर्स्ट डे था, तैयारी कर रहा था. तो इंटरेक्शन भी यार, एक बार मिल जाते तो आपको पता है इनका काम देखा हुआ है, तो आपको पता है आप अच्छे लोगों के साथ काम कर रहे हो. तो मेरे में एक्साइटमेंट भी था, नर्वस भी था कि यार मुझे, क्योंकि सीजन वन इतना अच्छा है कि मुझे ऐसा लगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आया हूँ, मुझे अपना बेस्ट देना होगा. तो वो मैं कर रहा था सबके साथ यार, ये अभी तो सारे दोस्त हैं, अच्छा लगता. अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, मैं एक्चुअली सुबह होता है कि यार सबसे मिलना होगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू. हाँ हाँ, तो वो होता है. एंड सीजन टू यार, आपने जैसे कहा कि सीजन वन अगर हिट हुआ तभी सीजन टू बनता है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आया है. और मुझे लगता है कि चाहे वो एक्शन हो जो भी है, सिद्धार्थ सर ने करवाया है और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है. एब्सोल्युटली, वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, 5 लोग हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिट मेनी क्वेश्चंस. एक कॉमन सवाल मैं आप सबको दूंगा गिवन द टाइमलाइन इन माइंड, कि सेकेंड सीजन में क्रिएटिव इनपुट्स वाइज आपको लोग को कुछ नया बताया गया था? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी, अपार्ट फ्रॉम सर, यू ऑल हैव लिव्ड योर कैरेक्टर, राइट? फर्स्ट सीजन में जब कहीं पे आप आते हो, गेट अ लॉट ऑफ इनपुट्स फ्रॉम डायरेक्टर एक्सेट्रा, बट ऑलरेडी यू हैव लिव्ड दैट कैरेक्टर. व्हाट वाज द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ अप्रोचिंग इन द सेकंड सीजन आप चारों के लिए? एंड ऑफ कोर्स यू विल से आपके लिए तो पहली बार ही था सर, वी विल कम टू दैट एज वेल. सिद्धार्थ सेन गुप्ता लुक्ड एट मी एंड सेड, डू बेटर. ओके. In season one, Purva was shown as a very tough person, intimidating, compelling. We hardly got to see the inside of her and understand her. काफी लोगों ने मतलब, but her dominance was so sexy. You realize that? I do realize it. Yeah. And you know what's the interesting thing about it? Yeah. There was an article which said that we've never had an
an Indian femme fatale, a woman with Indian clothes who's a femme fatale, because I was wearing jaise saree ka ek tha, I was wearing fully covered clothes top to bottom, and they said that that's sexy, and if that's the best compliment, I mean, let's change the definition of sexy. Absolutely, badal diya hai already. Yes, that is what it is. So in season 2, you see the softer, the human side of Purva. Wo andar se, the human side is coming out more. The human side, the grey shades are obviously there, but aap usko aise situation mein, kahani mein, usko aise situation mein dal diya ki usko bhi ladna hai us situation mein. To wo aapki real personality, pure side aapka dikhata hai. So that would be very different for people in season 2. Vikrant ji, aapka pata nahi kyun, I feel like what lagne wala hai ekdam second season mein. Everything is getting exposed, already pata chal chuka hai. You're in a fix. What was your thing like when you approached second season? Mera ulta hai. Like if you saw a vulnerable side, it's time for him to face consequences of a lot of the decisions. And so you'll see him hardening up and taking bolder steps, which might or might not work in his favor. But there's a definite, like you said, it's like out of the frying pan into the fire. And wo tha, pehle time pe banduk ka goli wo chalana bhi nahi aata, then you started firing, etc. Yeah. Superb stuff. Yeah, so and I think that's what makes it amazing to play, is because he's a flawed hero. Like it's not like wo nikali banduk and all of a sudden, and so he's YouTubing goli kaise chalate, YouTubing how to cry. So it's a very it's an ordinary guy in an extraordinary circumstance. Yeah. Madam, please. I think Shikha for me is jab aap dance karte ho na, to jab aapke dance partners change hote rehte hain. I feel in season 2 it's that. Ki matlab samajh mein bhi nahi aa raha hai aur pata bhi nahi chal raha hai, and conflict pe conflict, situation pe situation. One thing that I as an actor really loved is the location. मैंने हमेशा गर्मियों में इतना शूट किया है कि जब इस बार मैं पहाड़ों में थी और आई हैव नेवर शॉट स्नोफॉल में, एंड स्नोफॉल हो रही थी, एंड इट वाज ब्यूटीफुल, एंड पूरा सेट उस दिन इतना खुश था, लाइक एवरीबॉडी हैड अ स्माइल ऑन देयर फेस, एंड जस्ट दोस, एक गाना भी है जो बाद में मतलब आएगा, इट्स नॉट अ स्पॉइलर. सो टू बी इन सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन विद सच ब्यूटीफुल पीपल, but the emotion is very different because she doesn't want to be here. So wo hamara ek Shweta and Shikha ka conflict chal raha tha, kyunki main bahut zyada khush thi, lekin Shikha bichari was us emotion ke extreme end. But in terms of the character trend, jaise his character is hardening up a lot more, right? Because for the sake of his love, your character as well, because first season mein aapke samne aapke father ko mara jata hai, but then you're still weak, right? Second season mein just like Golu, thoda bahut wo vibe dekhne ko milne wala hai ki nahi? Oh, you know, the thing is that I think गोलू जैसा कोई नहीं है, एंड शिखा जैसी बहुत लड़कियां हैं, एंड दैट इज व्हाट इज ब्यूटीफुल, दैट कि बहुत ऐसा आप जस्ट बिकॉज आप चुप रह रहे हो या दब रहे हो, एंड आप कितना कुछ करना चाहते हो, बट लिटरली कोई भी मुझे बता दे कि शिखा इस सिचुएशन में क्या कर सकती है, एब्सोल्युटली हेल्पलेस. तो वो हाँ, तो वो ना लिटरली पानी आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है. सो नाउ इवन आई एम वेरी क्यूरियस कि अब क्या होगा, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त भी नहीं है. वो फोन उठा के एक्सेप्ट फॉर विक्रांत, देयर इज नोबडी फॉर हर विद हर, क्योंकि पेरेंट्स को भी आप कितना तंग करोगे यार. They are such wonderful human beings who are helping her, being supportive. And now the boy that she met in season 1, Akhil, jo ki itna pyara insaan hai, and I love that ki Shikha us scene mein kehti hai ki, you know, aap mere hamare ye sab hua hai, and I've been through that, but then he says, pehle pyar nahi ho, and he says to change kar leta hu. I was like, wow yaar, and you know, it's how Nikhil had performed that before, when I went to into the scene, mere dimag mein chala tha Vikrant, 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 and you know, Shikha and Vikrant, and because he was so honest with his performance, wo ek aaya ki yaar ab isko bhi kya hum late dubayenge hamare pyar ke liye. So ye basically chalu hota hai do logo ke sath, then it becomes 200 and all. I want to quickly wrap up with you guys. The difference in जैसे इनका character और ज़्यादा hardened up हो जाता है, you soften up, थोड़ा बहुत आपको दया आता है आप जिनको kidnap कर रहे हो उनके लिए, फिर क्या होता है in season 2? No spoilers. No spoilers. You never know what happens. कुछ भी हो सकता है. November 22nd. November 22nd is the date. And guys, जैसे कि I said, ये shoot हो रहा है बहुत पहले. जल्दी जल्दी आई होप यू नो वो जो दुनिया है वो ज्यादा जल्दी जल्दी घूमे ताकि डेट्स और आगे आगे आए. 22nd नवंबर इज द डेट गाइज. ये काली काली आंखें सीजन 2 ओनली ऑन नेटफ्लिक्स. अकेले देखो, फैमिली के साथ देखो,
जिसके साथ भी देखना है देखो, लेकिन बस देखो, दैट इज व्हाट इट इज, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू, एंड गिव देम ऑल द लव दैट दे डिजर्व. थैंक यू. थैंक यू.